आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, ओके? शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है, ओके? सुनाई दे रहा है बे। जब तू वापस आया मैं कितना खुश था। ऐसा क्रूअल इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं। तुम ऐसे शख्स हो जो हम जैसे इंसानों के बारे में सब जानता है, और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट शेंक, हमें जानना है कि वो कहां है। तो जेल में ही होना चाहिए। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। ऐसा क्रूअल इंसान पहली बार देख रहा हूं। हमें जानना है कि वो कहां है। अफसोस कुछ नहीं, हमेशा जानता दिखना चाहिए, चाहे मौका शादी का हो या मरने का। मुझे चाहिए होगी एक का। मैं वापस आ गया था तुझे, कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे शख्स हो जो हम जैसे इंसान के बारे में सब जानता है। चुनौती दे रहा है, मुझे उस आदमी को रोकना होगा। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी ज़रूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का
अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रण विजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था। ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रखते इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी, पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है।
है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है, और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं, तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर दो बच्चों की मां तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है। उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक, अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है, और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और
फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफ़ी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज़्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मज़ा आता है और खूब मज़ा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मज़ा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लबर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालाँकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मज़ा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा, वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है।
विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वे दर्शकों को इस्तबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के
अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तू झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राण घातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है,
लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था। ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रखते इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में
कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रण विजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रण विजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रण विजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है। लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है, और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि
उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं। बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वंगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है। फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है स्कूल से भाग कर घर भी आता है मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को और समय नहीं दे पाता जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलुष कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मंगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है मगर आप इससे
नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं, वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को इस्तबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तो झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर
दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की नवी क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था, ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रक्त इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक
अनुसार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिच को लेखाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं, तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी, इस मिट्टी पानी में खाद है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की मां तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वह सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है, और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जुन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है।
एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की, जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है, लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया, लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है, उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है, लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं, बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है, तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा, वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है, बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को
प्यार और समय नहीं दे पाता जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वह फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को स्तब्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है।
अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को पर्दार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तू झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग
स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहाँ जहाँ बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राण घातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है। और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था, ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की यह तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रखते इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं, तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं,
तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपिंदर बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लबर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी
तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है, लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम है। वो एंड्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं। ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं। बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वंगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं, बल्कि गाने सुनकर मज़ा आता है। कुल मिलाकर यह फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है, तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा, वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है, बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है, जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं, वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं।
किरदार के अल्फाया ने मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं, वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वे दर्शकों को इस्तबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तू झूठी मैं मक्कार में नजर आए थे।
रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी ज़रूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राण घातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था, ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही
महसूस करता है, हिंसा से बाहर रखते इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी, इस मिट्टी पानी में खाद है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय, अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रण विजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रण विजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रण विजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और
पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए लेकिन मज़ा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है, उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने केजीएफ के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को नहीं आएगी।
तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलुष कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है, बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है। मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं, वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को
इष्टबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को पर्दार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तो झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास्य, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है।
कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहाँ जहाँ बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था, ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रक्त इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं, तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के
दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वह सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप
फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है, लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं। ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं। बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है। फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं, बल्कि गाने सुनकर मज़ा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है, तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा, वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है, बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है, बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है।
क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वह फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को स्तब्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तो झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था। ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है।
बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ तीन फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रक्त इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है
और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपिंदर बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लबर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी।
तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को
इस्तबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को पर्दार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तू झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो ATT पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है।
कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की नौवीं क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राण घातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था। ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं, उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ तीन फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रखते इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले लालायित होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है। तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म
एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर दो बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रण विजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमे की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रण विजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रण विजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहाँ भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है।
फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने केजीएफ के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालाँकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इस लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो
चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद दो बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहां धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को इस्तबद्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया की बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया था वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेज़ी से शेयर किया जा रहा था।
फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बाबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी प्रमुख किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं। इससे पहले रणबीर तो झूठी में मक्कार में नजर आए थे। रणबीर कपूर के एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से होगी। सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले गिल्टी राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल और सैम बहादुर सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म एनिमल देखने से पहले सबसे ज़रूरी बात जाननी जरूरी है, ये वो है कि ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। कमज़ोर दिल के लोग इसे कतई न देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें भीभस, रौद्र, वीर और भयानक रसों का अतिरेक है। फिल्म की अंतरधारा करोड़ रस है और इसमें हास्य, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसकों की भी कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजहें यूँ तो तमाम हैं, लेकिन यह फिल्म दो खास वजहों से खासी दर्शनीय बन पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनाए रखती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे देखे भी लोगों को अरसा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह पूरी करती है जो एटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी हैं। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद का दृश्य दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज है जिसके जल्द से जल्द पूरा होने का इस फिल्म को देखने वाले सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसी नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय के भीतर भरे गुब्बार की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे आती है। इस बार वहां जहां बालक की 9वीं क्लास के दोस्त की मंगनी हो रही है, वह उसे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर निकाल दे देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है, उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त अब नहीं लगते। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूँ तो तुम जेल में होंगे। पिता पुत्र के बीच इस खटास का पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से कहता है कि हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतजार किया था, ये फिल्म का पूरा मर्म बहकर बाहर आ जाता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरावय रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में
में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंग मैन तलाशने का समय पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को नया अल्फा एंग्री मैन फिल्म एनिमल में मिल गया है। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ जो रणविजय के दृश्य हैं उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। बतौर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा रस देने वाले संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म वयस्कों के लिए बनी है। रक्त वह पहला स्पर्श है जिसे इंसान जन्मते ही महसूस करता है। हिंसा से बाहर रक्त इसलिए आदर्श परिस्थितियों में असहज करता है, लेकिन पौरुष दिखाने में रक्त बहाना मर्दानगी का कर्तव्य माना जाता है और इसीलिए ऐसे किरदारों को लेकर सिनेमा देखने वाले ललायत होते हैं। सिनेमा नवारसों की एक कला है और इसमें वीर, रौद्र, भीभत्स और भयानक रस भी कलात्मक तरीके से पर्दे पर आते रहने ही चाहिए। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत संजीदगी से साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए किरदार जोया के आने पर हिचको ले खाती है, लेकिन जोया की असलियत का खुलासा होते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी पटकथा और निर्देशन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग की भी जिम्मेदारी संभाली है और इस चौथे विभाग में उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक इस फिल्म को बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी बहुत कुछ सामाजिक संदेश है। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधने चलती है, तो साथ ही यह भी बताती है कि हिंसा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है और ये इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाते हैं तब असल में मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की माँ तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्त जान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। यह किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है, उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमय की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद व मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की माँ बनी चारू शंकर बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्डिक अबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरा है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बनकर
काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत सामदृश्य से शुरू होकर श्वेत सामदृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है, और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सके। लिहाजा यहां भूपेंद्र बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जुन वैली और पापा मेरी जहाँ पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जहाँ रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी की कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है वो यहाँ भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया था पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म यानी कि हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होगा। बॉबी देओल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी देओल के नाम पर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले आइए बताते हैं फिल्म कैसी है। ये कहानी है रणबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है लेकिन फिर फिल्म बवाल पेस पकड़ती है और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजा आता है और खूब मजा आता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है लेकिन फिर बॉबी देओल की एंट्री से फिर मजा आ जाता है। फिल्म में कुछ ज़्यादा ही खून खराबा दिखाया गया है और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी देओल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन तब भी वो जब आते हैं छा जाते हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हैं और उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म ख़त्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है, उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का अभिनय किया है लेकिन उनके सीन कम हैं और काफ़ी कम हैं। वो इंट्रोल के बाद आते हैं और फिल्म ख़त्म होने से पहले चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम ज़बरदस्त है। रश्मिका मंदाना को किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर पापा के किरदार में अच्छे लगे हैं, हालाँकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, बाकी के किरदारों में भी अच्छा काम किया है। संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखना आसान काम नहीं है और यह काम संदीप ने शानदार तरीके से किया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सेकंड हाफ में लगता है फिल्म थोड़ी लंबी है। फिल्म का म्यूजिक शानदार है, फिल्म में जब गाने आते हैं तो इसे लंबी फिल्म में भी खलते नहीं हैं बल्कि गाने सुनकर मजा आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म मास एंटरटेनर है। हाँ, खून खराबा ज़्यादा है तो अगर उससे दिक्कत हो तो मत देखिएगा, वरना फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग साफ वासेपुर को इंडिया सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग साफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने
ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो हैं रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भाग कर घर भी आता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को प्यार और समय नहीं दे पाता, जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह से अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेसमैन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुलिस कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मगनी तोड़वा कर उसके सामने सीधे साधे का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है, बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्तरंजित खेल में शामिल कर देता है जहाँ धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया भीभस, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इनके भावात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार के अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच अपनी नायिका के प्रति वर्ष चुकाए का अधिकार है। अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुस्पा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का पार्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से दौड़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में यह फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के अधिक वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वह फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को
क्रिस पब्बन आ सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित राय की सिनेमाटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी जो फिल्म की भव्यवाह को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत ना होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मार काट के दृश्यों में वहाँ की वह सच झलकती है, वही रोमांटिक दृश्यों में वह इराटिक अंदाज में दिखते हैं। मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको क्राहित दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वह दर्शकों को स्तब्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने वाला सीन, ये अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूम में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूत पर उसके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेराय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र बिलमय का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ करड़िक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेव और रणविजय की बहने के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफ़ी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी तक के रिलीज टीजर और गानों को खूब प्यार मिला है और अब सभी को एनिमल के ट्रेलर का इंतजार है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे मीडिया को बीते दिन ही ट्रेलर दिखा दिया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जबकि आज दर्शकों का इंतजार पूरा हो गया है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है और तेजी से शेयर किया जा रहा था। फिल्म एनिमल का ट्रेलर काफ़ी कड़क है। ट्रेलर की शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बच्चे के लिए उसके पिता के पास वक्त नहीं है, हालांकि इसके बाद भी वो बेटा अपने पिता पर जान छिड़कता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बाप बेटे का रिश्ता काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि कैसे रणबीर कपूर पिता के लिए बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल की झलक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी पर